बीते 51 दिनों से मणिपुर जल रहा है, लेकिन मणिपुर में मौजूदा सरकार मौन है और केंद्र में मोदी सरकार मौन है। ना तो मोदी जी मणिपुर के लिए कुछ कर रहे हैं, ना तो वहां की मौजूदा जो है राज्य सरकार कुछ कर रही है। मणिपुर के लोग परेशान हैं, तमाम लोग पलायन कर रहे हैं और मणिपुर की जनता जो है वो बहुत ही परेशान है और वहां के लोगों ने इससे बुरा दिन शायद नहीं देखा होगा। लोगों को उम्मीद थी कि सरकार कुछ करेगी, प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और देख सकते हैं कि दिल्ली के जंतर मंतर पे मैं मौजूद हूँ और तमाम लोग जो मणिपुर के लोग हैं जो दिल्ली में रहते हैं और तमाम ऐसे लोग जो मणिपुर से यहाँ पर आए हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि केंद्र सरकार जो सो रही है मणिपुर मामले पर वो थोड़ा जाग जाए और वहां पर शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए कोई ठोस कदम उठाए। तमाम लोग हैं जो मणिपुर से यहाँ पर आए हुए हैं जो हिंदी भाषी हैं उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? ये बताइए, जिस तरह से मणिपुर में हालात हैं, बीते कई दिनों से मणिपुर जल रहा है, कैसी स्थिति है सबसे पहले तो ये बताइए वहाँ पे। थोड़ा तेज बोलिएगा जी। अगर आप बोलोगे तो मुझे जहाँ तक लगता है, जहाँ तक मैं कल रात का न्यूज पता चला था, शांत है फिलहाल, क्योंकि ये नीचे से बताया कि मेजोरिटेरियन कम्युनिटी वहीं पे रहते हैं। लेकिन एवरी डे इवन जब होम मिनिस्टर साहब ने जब विजिट करा था उस दिन को भी, दिन में दोपहर के टाइम में इम्फाल के अंदर आप सबसे गुजारिश है इस जगह को खाली कर दे। दिल्ली पुलिस से हमने जो वायदा किया है वायदे को पूरा कर रहे हैं। यू ऑल हैव टू बी आउट बाय 1 o'clock, जस्ट 2-3 minutes लेफ्ट, सो प्लीज मूव आउट ऑफ द वेन्यू एंड यू कैन टॉक आउटसाइड द वेन्यू। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। तो दूसरे विलेज में जाके मर रहे हैं, अटैक हो रहा है, please collect the garbage as well, all the garbage. Those people have gone through other let's keep our place clean and green. Thank you so much. That's why it's only because they have gone with that. ऐसा कुछ नहीं, ऐसा there has never been instances where I'm telling you, not because मैं उनकी समुदाय का हूँ, उसी समुदाय में बोल रहा हूँ, लेकिन मैं खुद बोल रहा हूँ कि उनकी समुदाय के people have not gone and attacked in any Meitei villages to be as per what I've heard. अभी क्या लग रहा है कि गवर्नमेंट इस पूरे मामले को कैसे देख रही है? शांति व्यवस्था बनाने के लिए कोई गवर्नमेंट कदम उठा रही है या फिर सिर्फ बातें की जा रही हैं? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो जहां तक मुझे लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट अगर इनको करना होता, अमित शाह जी ने जैसे बोला था 15 दिन शांतिपूर्वक ये सब करेंगे, 15 दिन तो हुआ नहीं। जिस दिन आए थे उनका विजिट हुआ था उसी दिन को अटैक हुआ था फदात माता, और ये 15 दिन के बावजूद भी हिल एरियाज में, ये ट्राइबल एरियाज क्योंकि डोमिनेटेड विलेजेस, दे आर गेटिंग अटैक, दैट इज वन थिंग। और अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, ये 50 दिन के आसपास ये जो हुआ है, शुड नॉट हैव बीन रीच्ड इवन 1 week फॉर दैट मैटर। कहीं गए मुख्यमंत्री जी, कहीं लोगों से बातचीत की हो, शांति व्यवस्था बहाल करने को लेकर कोई ठोस कदम उठाया हो, ऐसा कुछ लगा आप लोगों को? जहाँ तक मुझे लगता है ये मेटे से बताया कि रिलीफ कैंप्स में हुआ है एंड ही हैज विजिटेड मेटे कम्युनिटीज रिलीफ कैंप। ओके, लेकिन जो क्योंकि समुदाय के रिलीफ कैंप जो है वहाँ पे ऐसा कोई भी आपको एक वीडियो नहीं दिखेगा जहाँ पे मुख्यमंत्री जी मिस्टर बीरेन सिंह हैज विजिटेड, ऐसा कभी हुआ नहीं है और कभी वीडियो भी आपको नहीं दिखेगा कि उन्होंने कभी विजिट किया ही। ये जो कुछ भी हो रहा है इसमें आप सरकार की जिम्मेदारी कितनी मानते हैं? 100%, क्योंकि अगर जैसे मैंने बोला था, इट शुड हैव फिनिश्ड विद इन द वीक इटसेल्फ। 50 दिन छोड़ो, आपको ये हफ्ता भर नहीं लगता ये मामला चुप हो जाता जहाँ तक मेरा हिसाब। अभी ऑल पार्टी मीटिंग हो रही है, कुछ उम्मीद है कि ऐसा होगा कि सिर्फ मीटिंग ऐसे ही की जा रही है एक संदेश देने के लिए कि हाँ बहुत टेंशन है हमें लोगों की? अगर ये संदेश अगर नहीं निकलता तो सब अभी वैसे भी हम लोग सब सोच रहे हैं कि पीएम सर क्या कर रहे हैं, तो सेम थिंग जहाँ तक मुझे लगता है, मुझे जहाँ तक लगता है यू जस्ट हैव टू वेट, बिकॉज अगर मैं कुछ स्पेकुलेट करूंगा तो लगेगा कि मैं अपने समय कुछ बोल रहा हूँ, बिल्कुल, लेकिन यू जस्ट हैव टू सी व्हाट हैपेंस। देश में इस तरह से हालात है, मणिपुर जल रहा है, प्रधानमंत्री जी अमेरिका दौरे पर हैं, आप मणिपुर के होके और परेशानियों को झेल रहे हैं, आपका परिवार परेशान हो रहा है, इस बीच में आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री जी को आप लोगों के बीच में होना चाहिए था या फिर अमेरिका में होना चाहिए? फर्स्ट एग्जाम्पल, व्हेन उड़ीसा का जब ट्रेन डिरेलमेंट हुआ था, उसी रात को आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन उसी रात को पीएमजी वो दुर्घटना स्थल पे जाके पहुंच गए। तो अगर 50 दिन हो गया वो किस बात का वेट कर रहे थे? और यूएस का दौरा ज्यादा इम्पोर्टेंट था या फिर उनके ही कंट्री में ये जो प्रॉब्लम चल रही है ये संभालना ज्यादा इम्पोर्टेंट?
पीएम तो बहुत पहले आरोप लगाते थे जब वहां पर कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, कहते थे कांग्रेस वाले कुछ कर नहीं रहे, हम आएंगे बहुत कुछ करेंगे, तो अभी क्या ये सब करने आए थे, क्या लग रहा है? डिवाइड हो रहा है और ये डिवाइड, सी टू बी ऑनेस्ट, माय ग्रैंडफादर वाज बेस्ट फ्रेंड्स विद महाराजा पीडी सिंह, ओके, एंड जिनके वजह से हमें बहुत सारे रेस्पेक्ट मिला इन द कम्युनिटी। जब भाईचारा पहले से था, ये बंटवारा किस बात के लिए हुआ? ये बंटवारा होना भी नहीं चाहिए, इसी बात के लिए रीच टू द पॉइंट वेयर 10 दिन भी नहीं, हफ्ता भर के अंदर सुलझ जाना चाहिए था। जाते आज कितने लोग लगभग आप लोग प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पे आए हुए थे? करीबन 500 के ऊपर तो होंगे, 500 के ऊपर तो इजीली 1000 प्लस 600। तो अभी कुछ उम्मीद है आपको स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, कि कुछ सरकार करेगी? अगर नहीं करती है तो आप लोगों का अगला कदम क्या? मुझे लगता है स्टेट गवर्नमेंट कुछ करने वाली है, ओके, करना होता ये पहले से कर चुके होते, लेकिन अभी जहाँ तक न्यूज का सवाल है, सुनने को यह आया है कि अभी यू नो इवन द सिख गवर्नमेंट हैज बीन डिवाइडेड इनटू थ्री पार्टीज हु आर टोटली अगेंस्ट द सिख गवर्नमेंट। उन्होंने भी मान लिया है कि स्टेट गवर्नमेंट राइट नाउ इज लॉलेस एंड दे आर नॉट इन द कंडीशन वेयर दे इवन यू नो सपोर्ट द सिख गवर्नमेंट। ओके, थैंक यू सो मच। तो देख सकते हैं कि तमाम लोग यहाँ पर जो है वो मणिपुर के लोग आए हुए हैं, उन्होंने अपनी बातें बताई कि किस तरह से जो है मणिपुर जल रहा है, लेकिन वहां की जो मौजूदा बीजेपी की सरकार है वो चुप है, और आरोप भी ऐसा लगाया गया कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं मौजूदा जो है बीजेपी की सरकार बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है वो निभा रही है, सरकार जिम्मेदार भी है। और उनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री जी को इस मुश्किल घड़ी में मणिपुर के लोगों के साथ होना चाहिए। कुछ लोगों ने उदाहरण भी दिए कि जब गुजरात में मोरबी पुल हादसा हुआ था तब प्रधानमंत्री जी अगले ही दिन वहां पहुंच गए थे, अगर असम में कोई घटना हुई थी, रेल हादसा जो भी हुआ, उसके बाद प्रधानमंत्री जी वहां पहुंच गए, लेकिन मणिपुर बीते 50 दिनों से जल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी उन्होंने एक भी शब्द नहीं बोला है, वो मौन है, चुप्पी उन्होंने साथ रखी है। प्रधानमंत्री जी को इस पर कुछ बोलना चाहिए था लेकिन उन्होंने कुछ बोला नहीं। तो देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर हैं, कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। थोड़ा मैं आपसे बात करना चाहूंगा जिस तरह से मणिपुर में हालात हैं और केंद्र सरकार, ओके, मैं थोड़ा आपसे बात करना चाहूंगा जिस तरह से मणिपुर में हालात हैं और केंद्र सरकार चुप है और मौजूदा जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी कुछ कर नहीं रही है। तमाम लोग जो मणिपुर से यहाँ पर आए हैं प्रदर्शन कर रहे थे, आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? डबल इंजन दिखा रहा है कि दोनों इंजन फेल है। हाँ, पूरे सवाल में डबल इंजन की सरकार का ऐसा होना था। दरअसल इसमें कई सारे सवाल हैं, जो इसका प्राइमरी रीजन है वो है कि मणिपुर में जो जंगल है जिसमें ट्राइबल्स रहते हैं, खासतौर से कुकीज रहते हैं, दूसरी कम्युनिटी में थी वो तो वैली में जी, पहाड़ और जंगल में रहती है, जंगल के नीचे बहुत सारे मिनरल्स हैं, बहुत रिच जगह है। तो इनका जो एक्चुअल गेम प्लान है कि वो जंगल खाली कराए जाए और वो जमीन जो है कॉर्पोरेट सेक्टर को हैंड ओवर, इसके लिए ये मैथीज को भी यूज कर रहे हैं। मैथीज ने एक बड़ी संख्या हिंदूज की है जिसको आरएसएस यूज करने की कोशिश कर रही है अपने एंड के लिए, और हालांकि चर्चेज तो मैथीज के भी जलाएं, तो इस हिसाब दिखता है कि आरएसएस का ही इसमें इतना बड़ा रोल रहा होगा। तो ये यूज कर रहे हैं मैथीज को आपस में भिड़ाकर कि किसी तरह से जंगल से, जैसे एसटी का डिमांड जो है मैथीज की, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि ट्राइबल लैंड पर भी उनको राइट मिल जाएगा ट्राइबल स्टेटस होने से, मतलब कि जो लैंड कुकी ट्राइब का है उस पर भी वो ले सकते हैं जी। तो जब ये सब चीजें हो जाएंगी तो बेसिक सवाल यही आएगा कि आप कुकीज को यहाँ जंगल से हटाओ, जंगल खाली कराएंगे, उसके बाद वो जंगल कॉर्पोरेट सेक्टर को हैंड ओवर कर देंगे। अल्टीमेटली मैथीज के हाथ में भी कुछ नहीं आएगा, जस्ट बीइंग यूज, जैसे बहुत जगह यूज करते हैं लोगों को, जस्ट बीइंग यूज। इसलिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों इस गेम प्लान में बड़ी बड़ी सही जा रहे हैं, इसलिए कुछ करें होता है भड़का रही हूँ, करेंगे क्यों, जो इन्होंने कराया। आपको नहीं लगता इस मुश्किल घड़ी में प्रधानमंत्री जी को मणिपुर के लोगों के साथ होना चाहिए, वो अमेरिका घूम रहे हैं? बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन जब जैसे मैंने कहा कि तो गेम प्लान ही सरकार का है, तो मुश्किल घड़ी क्रिएट जिसने की है वो मुश्किल घड़ी में साथ क्या निभाएगा? वो तो चाहेगा कि मुश्किल घड़ी गलती है, थोड़ा सा घड़िया लिया सो बात जाए, इन्होंने कुछ कर दिया जाए। अमित शाह बीच में घूम के आ गए, अमित शाह ने एक बार भी ये नहीं बोला कि शांति करो वहाँ पर, किसी मैथिस को बुला के बोला आपको हिंसा मत करो, घूम के आ गए, ऑल पार्टी मीट करने का घोषणा कर रहे हैं, करते रहेंगे, वो थोड़ा बहुत दिखाते रहेंगे, एक्चुअल काम जो कर सकते हैं वो नहीं कर रहे जी। थैंक यू सो मच। तो देख सकते हैं कि लोगों की राय क्या है यहाँ पर। और फिलहाल जो मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ दिल्ली के जंतर मंतर से दिखा रहा हूँ, यहाँ पर करीब तमाम जो है सैकड़ों की संख्या में जो मणिपुर के जो लोग थे वो आए हुए थे। फिलहाल प्रदर्शन जो है वो खत्म होने की ओर है और तमाम लोग जो है वहां से जा चुके हैं। देख सकते हैं 12:30 बजे तक की अनुमति यहाँ पर लोगों को प्रदर्शन करने के लिए दी गई थी, और अब देख सकते हैं किस तरह से पुलिस प्रशासन यहाँ पर भारी संख्या में मौजूद है, और ये पूरा जो जगह है जंतर मंतर की जहाँ पे विरोध प्रदर्शन हो रहा था
उसको अब यहाँ पर जो है वो खाली करा लिया गया है और तमाम लोग जो यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए आए हुए थे, अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए आए हुए थे, वो अब ज्यादातर यहाँ पर लोग जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सवाल वही है कि आखिर सरकार मौन क्यों है, मोदी जी मौन क्यों है, मोदी जी को ठोस कदम इस पूरे मामले पर उठाने चाहिए थे, मीटिंग्स करनी चाहिए थी, प्रशासन को कड़ा संदेश देना चाहिए था कि कैसे भी करके शांति व्यवस्था जो है वो मणिपुर में बहाल की जाए। लेकिन इस तरह का कोई जो है प्रधानमंत्री जी की तरफ से ना तो कोई बयान सामने आया, 51 दिन हो गए हैं, कई लोग मारे जा चुके हैं, कई लोग पलायन कर चुके हैं, लेकिन सरकार मौन है और इससे कई तरह के सवाल जो है यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। और तमाम लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आए हुए थे, फिलहाल अब लोग यहाँ पर जो है वो जा चुके हैं और लोगों का ये कहना है कि सरकार से हम मांग कर रहे हैं कि सरकार हमारी सुने और इन पूरे विषयों को लेकर जिस तरह से प्रदर्शन चल रहा है हमें भी उम्मीद है कि सरकार को इस पर ठोस कदम उठाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी भाषणों में तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम सबको चाहते हैं, पूरा देश हमारा है, शांति व्यवस्था चाहते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन मणिपुर को लेकर ऐसा कुछ उनकी तरफ से होता हुआ नजर नहीं आया है। आप सभी लोग जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद। और मणिपुर पूरे हिंसाकांड को लेकर आप लोग क्या सोच रहे हैं, किस तरह से केंद्र सरकार इसमें जिम्मेदार है और जो राज्य सरकार है वो किस तरह से लापरवाही बरत रही है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट कर आप बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।